आज बनाएंगे मिनी चिलाज फुल ऑफ वेजीज चीज़ एंड पनीर। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और बनता भी बहुत आसानी से है। सबसे पहले दाल लेंगे, पीली वाली दाल लेंगे एक कप, और इसे अच्छे से पानी से धोएंगे। जब तक वाइट कलर का पानी आए तब तक हमें धोना है, क्योंकि जो दालें होती हैं आजकल उसमें पाउडर आता है, तो उस पाउडर को अच्छे से निकाल दें। ये देखिए कितना वाइट हो गया है, और इस पानी को मैं निकाल देती हूँ। 2 से 3 बार आपको ऐसा करना है, और फिर थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखना है। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, आधा लाल शिमला मिर्च, धनिया, पीली शिमला मिर्च आधी हरी शिमला मिर्च, पनीर और चीज़। 4 घंटे हो गए हैं, दाल को हम पीस लेते हैं। दाल पीसते समय हमें इसमें 1/4 कप करीब पानी डालना है, और उसके बाद हमें इसमें मिक्सर में पीसना है, और हमें इसमें मिलानी है 3 से 4 हरी मिर्च। ये देखिए मैंने पीस लिया है और बहुत अच्छे से बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच नमक, और साथ में हम मिलाएंगे हरा धनिया। हरा धनिया हम इसमें आधा मिलाएंगे, और आधा हम हमारी जो स्टफिंग है उसके लिए रहने देंगे। इसे मिला के अच्छे से रख देते हैं, और अब हम जो स्टफिंग है उसकी तैयारी कर लेते हैं। सभी वेजिटेबल्स को टाइनी क्यूब्स में काटना है, ये आपने देखा। इन सब को चीज़ के अलावा हमें एक साथ मिलाना है। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी सभी रेसिपीज़ की डिटेल्स, लाइक इंग्रेडिएंट्स, नंबर ऑफ पीपल और कितनी क्या लेनी है, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ये पनीर भी मैंने मिला दिया है, और अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, आप वाइट पेपर भी मिला सकते हैं, और 1/2 टीस्पून हम मिलाएंगे नमक। बस इस स्टफिंग को आप रेडी कर लें, अच्छे से इसे हमें मिलाना है। अगर आपके पास लाल मिर्च या पीली शिमला मिर्च नहीं है तो आप टेंशन ना करें, हरी शिमला मिर्च थोड़ी बढ़ा दें, थोड़ा टमाटर बढ़ा दें, थोड़ा पनीर बढ़ा दें, तो स्टफिंग हो जाएगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना किस तरह से है। तवा गरम करें और हल्का सा तेल डालें, और एक छोटी चम्मच से छोटे छोटे से आपको चीले बनाने हैं। देखिए इस तरह से एकदम छोटे छोटे, आप एक साथ 7, 8, 10 भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी से ये बनते हैं। अब 1 टेबल स्पून इसमें जो आपने स्टफिंग तैयार करी है वो डाल दें। ठीक इसी तरह से चीज़ डालेंगे हम, ये चीज़ भी इसी तरह से ऊपर। आपको अगर ज़्यादा चीज़ चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीज़ ये डाली है जितनी हम लोगों को पसंद है। और अब इस पर हम वापस बैटर डालेंगे, जहाँ जहाँ चीज़ है हमें वहीं वहीं, क्योंकि हमें अनटाइडी बनाने हैं, अंदर से थोड़ा फीलिंग दिखता भी रहे बस, लेकिन चीज़ हमें बचा के रखना, क्योंकि चीज़ आपका तवे से चिपक जाएगा। इसलिए जो बैटर है उसको चीज़ के ऊपर अच्छे से डाल दें, और थोड़ा सा तेल डाल के आप इसे सेकने रख दें। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं, एकदम बढ़िया से उतर जाएंगे और फटाफट बनेंगे। मैंने ऊपर आई बटन में ग्रीन चटनी हरी कैसे रहे और आप उसे बहुत समय तक स्टोर कैसे कर पाएँ उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर ग्रीन चटनी देख सकते हैं। ये देखिए ये सिकना शुरू हो गए हैं। क्रिस्पी बनाने के लिए आप फ्लेम का थोड़ा ध्यान रखें, कभी मीडियम और कभी लो फ्लेम रखें। Thank you.